हर हर महादेव। हर महादेव। दर्शन कैसे हुए कीर्तन भाई? अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत मजा आ गया सुबह सुबह? मजा आ गया, अच्छे से दर्शन हो गए। हाँ हाँ, देव जी के और पार्वती जी के। बढ़िया बढ़िया। और बस आप देख लीजिए, कुछ ऐसे दर्शन है। तो शिव और पार्वती दोनों के मंदिर इस परिसर में है, और कुछ ऐसे दर्शन आप कर पाते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। अभी अभी श्री मल्लिकार्जुन स्वामी और ब्रह्मारम्भा देवी पार्वती जी के दर्शन हमने किए। सुबह सुबह भारतीय पोशाक परिधान करके पूरे परिवार के साथ हम दर्शन के लिए गए थे। 6 बजे मंदिर ओपन होता है, उसी समय हम चले गए थे। और जैसा कि कल रात आपको बताया कि सीनियर सिटीजन के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको किसी उसका जो क्यू है वो डिफरेंट है, तो उसी क्यू में हम गए। इतनी भीड़ नहीं थी, बहुत सुंदर दर्शन हो गए। सुबह सुबह दर्शन प्राप्त करके हम सभी धन्य हुए हैं। अभी आज का ये प्रोग्राम है कि अभी हम नीचे जाएंगे, पहले कपड़े चेंज करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद पाताल गंगा के लिए निकलेंगे। पाताल गंगा जाके फिर वहाँ पे अक्का महादेवी केव है, उसके लिए जाएंगे। बोट में जाना होता है तो बोट में वहाँ पे जाएंगे। बस यही आज का कार्यक्रम है अभी तक का, उसके आगे का प्लान आगे डिसाइड करेंगे। हर हर महादेव। ये पाताल गंगा रोपवे है, यहाँ से रोपवे शुरू होता है। इस तरफ पार्किंग है, हम यहाँ पे उतर गए हैं, गाड़ी अपना वहाँ खड़ा है, गाड़ी पार्किंग में ले जाएंगे महेश भाई। तब तक के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और फिर यहाँ से रोपवे का टिकट लेंगे और आगे जाएंगे। टिकट काउंटर किधर है भैया? तो एक्चुअली हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे स्टेप्स हैं, स्टेप्स उतर के जाना है। अभी हम जाने वाले हैं रोपवे से। वो मुझे लगा कि वही होगा कॉम्प्लेक्स जहाँ से हमें रोपवे लेना होगा, लेकिन वो स्टेप्स थे रोपवे के लिए। यहाँ पे ही है, यही पार्किंग है, यहाँ पे भी भक्त निवास है। चलिए रोपवे के लिए टिकट लेते हैं यहाँ से। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे रोपवे का टिकट है 65 रुपीज़। और जो अक्का महादेवी केव के लिए बोटिंग है उसका टिकट है 400 रुपीज़। रोपवे में चाइल्ड का टिकट 45 रुपीज़। और यहाँ पे अक्का महादेवी केव के लिए बोटिंग में चाइल्ड का टिकट 270 रुपीज़। ऐसा कुछ है यहाँ पे। घूम फिर के हम यहीं पे वापस आ गए। हाल कुछ ऐसा हुआ कि रोपवे में आधा घंटा जाने का वेटिंग है, 1 घंटा आने का वेटिंग है। और जो अक्का महादेवी केव के लिए हम बोटिंग लेने वाले थे वो बोट फुल है, मतलब कि उसका बोटिंग अभी नहीं हो रहा है। तो अभी तो बस स्टेप्स लेके नीचे जा रहे हैं, स्टेप्स लेके नीचे जाएंगे और देखेंगे। सिंपल सा बोटिंग यहाँ पे जो लेक में होता है वो बोटिंग अगर मिल जाता है तो वो बोटिंग कर लेते हैं। बाकी जो अक्का महादेवी का है वो तो नहीं हो पाएगा आज। हम सबका बहुत मन था लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। मेरी चॉइस लिस्ट में सबसे टॉप पे था क्योंकि ऑफबीट डेस्टिनेशन है, लेकिन अब क्या ही किया जाए, भगवान की इच्छा। देखिए सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ऊपर से भी हमने वहाँ पे देखा, सुंदर नज़ारा था। देखिए श्रीशैलम डैम दिख रहा है सामने। यह है पाताल गंगा, यहाँ का पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है, गंगा की तरह पवित्र है ऐसा माना जाता है। और सभी डिवोटी यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, यहाँ पे बोटिंग भी होता है। वो जो पीछे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वो रोपवे का कॉम्प्लेक्स है। वो सामने श्रीशैलम डैम है,
यहाँ पे जो बोटिंग होता है वो यहाँ से लेकर श्रीशैलम डैम तक ले जाते हैं और फिर वापस लाते हैं, ऐसा चक्कर रहता है। टिकट यहीं से आपको नीचे आके लेने पड़ती है। थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन हुई, यहाँ तक उतरना इतना आसान नहीं है। 700 स्टेप्स हैं, वो भी बड़े बड़े स्टेप्स हैं। हमें तो इतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मम्मी पापा को ज़रूर दिक्कत हो रही होगी। और मैं सोचता हूँ कि अभी वापसी का सिंगल वे का रुपए का टिकट मिल जाए तो मैं ले लेता हूँ, तो अच्छा रहेगा। तो चलो देखते हैं, ताकि मम्मी पापा इतने स्टेप्स इतने बड़े बड़े चढ़ना मुश्किल है उनके लिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, स्टेप्स बहुत ही हैं, बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं। आप रोपवे का ही यूज़ करें। रोपवे वाले ने मुझे बताया कि भाई आधा घंटा एक घंटा वेटिंग है, आप मत लीजिए, ऐसा कुछ मुझे समझाया उसने। तो हमने टिकट नहीं लिया और हम स्टेप्स उतर गए, लेकिन स्टेप्स नहीं उतरना चाहिए। इफ़ यू आर फिजिकली फिट, इट्स मोस्ट रिकमेंडेड, अदरवाइज आप रोपवे ले लीजिए, वही सही रहेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ढूंढते आया था रोपवे का टिकट, लेकिन रोपवे का टिकट ढूंढते हुआ ऐसा कि मैं बोटिंग के काउंटर में गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अक्का महादेवी का अगर टिकट मिल सकता है तो उन्होंने हमें दे दिया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें दे दीजिए ये टिकट अगर पॉसिबल है तो। लकीली ऐसा हुआ कि मेरे आगे आगे किसी ने कैंसलेशन किया और मुझे वो टिकट मिल गया। तो बस टिकट मिल गया है, तो अभी चलते हैं अक्का महादेवी केव के लिए। 4 घंटे का सफ़र रहेगा, आना जाना और फिर वहाँ पे केव्स के लिए चलना। सो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया कि ये 4 आवर्स का आपका जर्नी रहेगा, आप 2 बजे तक यहाँ से रिटर्न होंगे। और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि रास्ते में आपको कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, आप साथ में कुछ ले भी नहीं जा सकते क्योंकि ये पूरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। वहाँ जाके उतर के वहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है और बहुत ही पवित्र गुफा है। वहाँ पे पवित्र गुफा में माता जी का आपको दर्शन करना है, अक्का महादेवी का। तो ये सब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हमें। और पानी बोतल वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ले लीजिए, मतलब के यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि आप वो ले नहीं जा सकते, ऐसा सब कुछ हमें एक्सप्लेन किया गया है। बाकी सब कुछ वहाँ पे जाके आपको बताएंगे। यही बोट है अपना, तो वो मम्मी पापा उतरते हुए वहाँ से धीरे धीरे उतर रहे हैं। सच में वी आर लकी कि हमें ये टिकट मिल गया, कैंसलेशन किसी का हो गया और हमें ये टिकट मिल गया। देखिए कितना सुंदर कृष्णा रिवर का पानी। पहले थोड़ा जल छिड़क लिया हमने। नाउ वी आर इन बोट। तो ये बोट लग रहा है अक्का महादेवी से वापस आया हुआ बोट लग रहा है, या फिर कोई घूमने का बोट होगा, हमें पता नहीं है। लेकिन ये वेटिंग जोन है, यहाँ पे वेट करना है, हमने वेट किया है यहाँ पे। और ऐसा कोई बोट लगेगा, हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, तो उस बोट में बैठ के वहाँ पे जाना है। बस मेन चीज़ वही है, फॉरेस्ट है तो आप कुछ ले नहीं जा सकते। नो प्लास्टिक बॉटल्स, नथिंग, नो स्नैक्स, नथिंग। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि आप लोग यहाँ पे आराम से बैठिए, लाइन मत लगाइए, नाम लेके आएंगे, नाम बोलेंगे और आपको जाना है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। भारत की प्रमुख नदियों में से एक कृष्णा नदी। यह है ऊपर रोपवे। हाँ, तो अभी अपना बोट राइड शुरू हो गया है, 4 घंटे का सफ़र रहेगा अपना, खूबसूरत नज़ारों के साथ। हाँ, तो मैं बता रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे प्राप्ति हमारे ड्राइवर जी, पापा, मम्मी, कीर्तन, अपना
सफर शुरू। सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग व्यूज। कहते हैं राम लक्ष्मण और सीता जब अपने वनवास के दौरान यहाँ पे आए थे, सीता माता को बहुत प्यास लगी थी और उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया। लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तीर चला के पानी निकाला था, यही है पाताल गंगा। वो रोप पे देखिए वहां बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। हम लोग वो स्टेप्स उतर के आए और बाकी की कहानी आप जानते हैं। पता नहीं, बस भगवान जी चाहते थे कि हम पक्का महादेव के घूम सके, पक्का महादेव जा सके, यात्रा कर सके। तो बस मैं तो गया था रोप वे का टिकट लेने के लिए और मिल गया मुझे ये टिकट। कैंसिलेशन हुआ और टिकट हमें मिल गया। वातावरण इतना अच्छा है, बादल बादल है तो धूप बिल्कुल ही नहीं लग रही है, और क्योंकि धूप नहीं है वातावरण ठंडा है, पवन भी एकदम ठंडा ठंडा बह रहा है और पानी में क्या ही मज़े हैं बॉस। रोज़ का सिर्फ 20 लोगों का टिकट मिलता है, ये सब इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं है तो इतना क्लियरली पता नहीं चलता है। और आप जब यहाँ आते हो और अचानक से ही कोई आपको बोल दे कि भाई आज का टिकट तो बुक है, ऐसा हुआ। लेकिन फिर आज फाइनली हम बोट में हैं और हाँ, इसका कोई एडवांस बुकिंग नहीं होता है, ऑन द स्पॉट ही करवाना होता है। ईगल पेंटा जहाँ पे हम कल की नाइट रुकने वाले हैं। क्या ही खूबसूरत नजारे हैं दोस्तों, वेरी सीनिक, वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं यहाँ पे कैमरा घुमाता हूँ, आप देखिए दोनों तरफ पहाड़, पहाड़ के बीच से कृष्णा नदी जाती हुई और नदी में से हमारी बोट। अमेजिंग अमेजिंग, वाओ। हॉलीवुड की मूवीज का सीन याद आ जाए, ऐसा नजारा है। दोनों तरफ पहाड़, बीच में से नदी और बादल बिल्कुल नदी को टच करते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के अंदर बादलों को चीरते हुए हमारी नाव आगे बढ़ रही है। हॉलीवुड का मूवी वो कौन सा था, एनाकोंडा, ऐसा ही कुछ लग रहा है। आप लोगों को मेरी बातें शायद अजीब लगे, लेकिन सोचिए ये पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे तो लगता है कि जैसे ये पहाड़ पे ये जो रास्ते बने हुए हैं, ये जो रास्ते हैं, पता नहीं किसने खोजे होंगे ये रास्ते, पता नहीं कितने देवी देवताओं ने इस रास्तों पे होते हुए श्री मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन किए होंगे, कितने साधु महात्मा यहाँ पे आए होंगे, यहाँ से गुजरे होंगे, किसी ने ये रास्ता बनाया होगा या फिर ऐसे ही जंगलों से गुजरते लोगों ने ये रास्ता ढूंढ निकाला होगा, पता नहीं। लेकिन ये पहाड़ जैसे हमें महसूस होते हैं, हमें महसूस होता है ये पहाड़ कुछ कह रहे हैं हमसे। शायद ये पहाड़ उठेंगे, बोलेंगे, हमसे बातें करेंगे और अपनी भव्यता की बातें हमसे बयां करेंगे। ये विशाल जलराशि कृष्णा नदी की, वाह। देखिए
कोई हार्ट दिख रहे हैं, वो हार्ट है या फिर घर है या फिर ऐसे ही चौपड़े हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ गीत दिमाग में आ रहा है, पहाड़ों पे लिखी ये अपनी कहानी, कही जाए हमसे ना अपनी जुबान। वही भावनाओं में बह रहा हूँ जैसे ये कृष्णा नदी का पानी बह रहा है। आप ऐसे मत लीजिए, आप बस एंजॉय कीजिए। न हमने है लिखी न तुमने है लिखी, इजा फिर भी कहती ये अपनी कहानी, घटाओं से झूले है बादल भी चूमे, के पानी की बूंदों से बनती कहानी, पहाड़ों पे लिखी है अपनी कहानी, पहाड़ों पे लिखी है अपनी कहानी। देखिए यहाँ पे सामने केव जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी सच में पहाड़ों में छुपी है कोई कहानी। ऐसा ही लगता है जैसे कोई घर या महल, ऐसा कोई स्ट्रक्चर लग रहा है। देखिए दूसरी केव, संस्कृति ज़रूर पनपी होगी यहाँ पे, तभी तो ऐसी केव्स हैं। अब ये केव्स हैं सिंपल पत्थर है पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कोई गुंबज है, कोई बड़ा सा दरवाज़ा है जैसे पैलेसेस या मंदिरों के हुआ करते हैं। మల్లికార్జున స్వామి స్వరూప్ దగ్గర షాదీ గారు కర్ణాటక శ్రీశైలం ఫైనల్ గారు అన్నమాట అక్క మహాదేవ మన కపట నయ్య పూర్వ సిరిబాల్ దాల్దే అక్క మహాదేవ తపస్క ప్రతిఫల లింగ ఉదర్సే కదిలి వరం ఇదర్సే 7 కిలోమీటర్ ఫైనల్ జానక అక్క మహాదేవ మెడిటేషన్ ప్లేసే ఉదర్సే 10 రోజుల ఐక్యత హోగే కేవల కదిలివరం చేసేకి తెలంగాణ పర్మిషన్ లేక ఏదైనా పర్మిషన్ 2 దిన లగ్తా స్టే కదా చూడరా हिंदी हमारे राज सर। हाँ हाँ वो फिर भी पता चला, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थैंक यू। ये सामने हमारा डेस्टिनेशन है, यहाँ से थोड़ा चल के जाना है। वो जो ऊपर नज़र आ रहा है यही केव लग रही है। यहाँ से उतरेंगे, वहाँ पे जाएंगे और फिर केव देखेंगे, लेकिन ये सब आप देख पाएंगे अगले व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगले व्लॉग में देखेंगे अक्का महादेवी केव और वापसी की जर्नी। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।